दोस्तों नमस्कार। आज हम एक विशेष राजयोग की बात करने जा रहे हैं। तो जातक को रंक से राजा बना देता है, कैसे आइए करते हैं विश्लेषण। पहले देखिए इस हथेली पर जीवन रेखा, घुमाव कम है लेकिन कर्व कम है, गोलाई कम है। जीवन रेखा पर दोष, जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरे जीवन रेखा थोड़ी मोटी है, ये भी जातक को संघर्ष करवाती है। साथ में बहुत सारी राहु रेखाएं या शुक्र प्रभाव रेखाएं और इस जीवन रेखा को काट रही हैं। तो 50 के पहले तक जातक के जीवन में अपार संघर्ष, असफलता, लेकिन 60 के आसपास तक ये जीवन रेखा भाग्य रेखा में मिली और 60 के बाद भाग्य रेखा और जीवन रेखा एक होकर एक रेखा के रूप में मणिबंध तक जा रही है। और यो रेखा है, ये भाग्य रेखा और जीवन रेखा के मिलने से बनी है और मणिबंध की तरफ जा रही है। ये स्पष्ट हो, पतली हो, गहरी हो, निर्दोष हो तो बहुत शुभ। और यहाँ पर मणिबंध के ऊपर केतु पर्वत पर एक स्टार पक्का इशारा कर रहा है कि जातक को बुढ़ापे में बड़ी सफलता और प्रसिद्धि अवश्य मिलेगी। और आगे देखिए, जो भाग्य रेखा है ना, ये दूषित है। 56 तक, लेकिन 56 के बाद लगभग 60 वर्ष की अवस्था के आसपास मनी रिसीविंग एंटीना दिखाई दे रहे हैं शनि पर्वत पर, जिनका झुकाव अपोलो की तरफ। तो 60 के बाद जातक के जीवन में धन और संपन्नता आएगी। दो रिसीवर हैं, ये भी बता रहे हैं कि संपन्नता थोड़ा विलंब से आएगी। और झुके हुए हैं सूर्य की तरफ, यही पक्का इशारा कि धन आगमन का स्रोत विदेशी होगा। लेकिन जातक के जीवन में सफलता, संपन्नता, मान सम्मान और यश अवश्य ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि 60 के बाद जातक का नया जीवन राजयोग बना रहा है, सफलता इंतजार कर रही है, वो भी 60 के बाद। आशा करता हूँ इस राजयोग के बारे में ये थोड़े से तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।